देखिए, क्योंकि प्रदेश अध्यक्ष की जिम्मेवारी मेरे ऊपर थी और पार्टी ने फिर मुझे हरियाणा के मुख्यमंत्री के रूप में बनाया, तो पार्टी का निर्णय, पार्टी ने सर्वसम्मत यह निर्णय लिया कि मोहनलाल बड़ौली जी प्रदेश के अध्यक्ष होंगे, क्योंकि दो एक बड़ी पोस्टें ऐसी हैं पैरेलल काम करने में हरियाणा प्रदेश के अंदर, दिक्कत ना आए और अब गति से वो काम की और गति बनेगी। मैं मोहनलाल बड़ौली जी को, आज उन्होंने पदभार ग्रहण किया है, बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। मोहनलाल कौशिक जी जो लगातार पार्टी के निष्ठावान कार्यकर्ता रहे हैं, जिन्होंने अपना पार्टी में जीवन बूथ से शुरू किया है, ये भारतीय जनता पार्टी है कि एक छोटे कार्यकर्ता इस पार्टी में प्रदेश अध्यक्ष, राष्ट्रीय अध्यक्ष, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री ये इस पार्टी में बन सकता है। नहीं तो कांग्रेस में तो परिवारवाद है और वहां परिवारवाद से सिवाय कोई सोचा नहीं जाता, यहाँ कार्यकर्ताओं के बारे में सोचा जाता है। मोहनलाल कौशिक जी का जो कार्यकाल रहा है, मैंने कहा कि भूख से इन्होंने अपनी राजनीति शुरू की, मंडल के अंदर काम किया, जिला में काम किया, प्रदेश में किया, जिला परिषद का चुनाव लड़े, आज माननीय विधायक भी हैं राय से। मैं इनके कार्यकाल आज पदभार ग्रहण किया है, इनको बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। और हरियाणा के अंदर हम दोनों मिलकर के, सरकार और संगठन मिलकर के मजबूती से हरियाणा प्रदेश के अंदर काम करेंगे और बहुत बड़े मैंडेट के साथ। तीसरी बात, हरियाणा के अंदर कमल का फूल खिलेगा और कमल का फूल तो खिलेगा, नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हरियाणा को और गति से आगे बढ़ाने का काम हम करेंगे, क्योंकि कांग्रेस आज झूठ का सहारा ले रही है, झूठ बोल करके लोगों को वो गुमराह करती है, तरह तरह के लॉलीपॉप देने का काम करती है। अब भूपेंद्र सिंह हुड्डा एक यात्रा शुरू कांग्रेस कर रही है, परंतु जो नाम दिया है वो अपने 10 वर्ष के कार्यकाल बताने चाहिए इसको, लोगों को अच्छा रहेगा। नाम तो उसने अच्छा दिया है, परंतु वो 10 साल के जो मुख्यमंत्री था उसका कार्यकाल रहा है, उसको ऊपर जरूर प्रकाश डाले भी, हमने ये किया है, हमने वो किया है, हम 3 दिन में गैस का सिलेंडर देते थे और नौकरियां हम भ्रष्टाचार के ऊपर देते थे, बदलियां हम भ्रष्टाचार से करते थे, बताना चाहिए उसको, अच्छा रहेगा। कांग्रेस में जिस तरह से कह रहे हैं कि सर्वे के आधार पर में टिकट वितरित करेंगे, बीजेपी पार्टी में क्या क्राइटेरिया रहेगा विधानसभा मजबूत? देखिए, हमारे यहाँ तो कार्यकर्ता है और बाहर से जो हमारा व्यक्ति दूसरे दल से आया है वो जीतने वाला है, तो ये हमारे सभी समीकरण चलते हैं। कार्यकर्ता उसका पार्टी के अंदर सम्मान और पार्टी कार्यकर्ताओं को मजबूती से चुनाव लड़ाती है। मैं उसका उदाहरण हूं, मोहनलाल बड़ौली उसके उदाहरण है। मैंने उदाहरण दिया है कि पार्टी लगातार कार्यकर्ताओं को गढ़ करके उनको आगे बढ़ाने का काम करती है, ये प्रथा ये भारतीय जनता पार्टी में है। एक छोटे कार्यकर्ताओं को धीरे धीरे विकास करके फिर उसको आगे बढ़ाना, मोहनलाल बड़ौली जी भी एक बूथ से शुरू की राजनीति, विधायक भी है, सांसद का चुनाव लड़े, मैं खुद विधायक रहा हूं, सांसद रहा हूं और आज हरियाणा का मुखिया के तौर पर बैठाने का काम भी पार्टी ने किया है। पार्टी धीरे धीरे कार्यकर्ता को आगे बढ़ाती है। नहीं देखिए, मेरा जिक्र ये नहीं होता कि मैं किसी के ऊपर वो कटाक्ष का है, जब वो इस प्रकार की बातें बोलते हैं, झूठ बोलते हैं वो लोग, वो झूठ ये बोलते हैं कि हम ये करेंगे, हम वो करेंगे। भाई तय 10 साल मुख्यमंत्री रहा, तेरे को कौन सा दस्से पैसे दिए थे किसी ने, कर देना चाहिए था काम, क्यों नहीं करा? अब याद आया क्या? अब तेरे को ध्यान आया जब मोदी की सरकार और बीजेपी की डबल इंजन की सरकार कर रही है,
जब उन्होंने लोगों के हित में कदम उठा रही है, अब इसके हुड्डा के याद आया, अरे 10 साल पूरी सरकार रही है तो मुख्यमंत्री रहा, तेरे को ये भी ध्यान नहीं रहा कि लोगों की स्थिति क्या हो रही है, किस प्रकार से लोग त्राही त्राही कर रहे हैं, उस बात की तरफ ध्यान नहीं है। आज हमने धीरे धीरे सिस्टम को ठीक किया। मैंने कहा है कि झूठ बोल रहा है ना कांग्रेस ने, झूठ बोला। और एक कहावत है हरियाणा के अंदर बुजुर्गों की, काठ की हंडी है, एक बार चढ़ती है बार बार नहीं चढ़ती। एक बार तो झूठ चल जाएगा, कहीं मैं भी खड़ा होकर बोल लूंगा, इन केजरीवाल ने दिल्ली में बोल दिया था झूठ, जेल के अंदर पड़ा ही नहीं पड़ा, झूठ बोल का वोट तो ले लिया। परंतु जब लोग काम चाहते हैं, लोग काम देखते हैं, जब उसके ऊपर पूरा नहीं उतरे, खाली बात की है, बात करके वोट लेने का काम किया है, तो फिर लोग भी उसका ध्यान करते हैं। आपने तो आप तो को करते हैं से लेके आई है किसी भी जो गुंडा तत्व है या गुंडागर्दी कोई कर रहा है उसको बिल्कुल भी नहीं बख्शा जाएगा, ना बख्शने का सवाल है। हमने पहले ही कहा था, हमने ये स्पष्ट रूप से कहा था कि वो प्रदेश के अंदर ना रहें या फिर शांति प्रिय रहें, लोग शांति चाहते हैं। मैं हरियाणा पुलिस को बहुत बहुत बधाई देना चाहूँगा कि उन्होंने ऐसे लोगों को सबक सिखाने का काम किया है जिससे लोग तरस थे। देखिए, क्योंकि हमने जब भी कोई घटनाक्रम होता है या कोई अपराधी कोई घटना को अंजाम देता है, पुलिस तत्परता से उसके ऊपर काम करती है। भूपेंद्र सिंह हुड्डा के समय के अंदर जो क्राइम था, मैं बोलने वाला हूँ, आज हमारी सरकार के अंदर उसका रेट कम हुआ है। भूपेंद्र सिंह हुड्डा की सरकार में 2014 में वो बहुत ज्यादा था, आंकड़े हैं, आप भी सर्च करेंगे शायद आपको भी आंकड़े मिल जाएंगे। इनके समय के अंदर तो FIR दर्ज नहीं होती थी, लोग घूमते रहते थे, आज 0 FIR है। 0 FIR के बावजूद भी क्राइम का आंकड़ा कम है। और मैंने कहा है कि अगर कोई गुंडा तत्व या कोई इस प्रकार की बदमाशी जिससे कि लोग आहत होते हैं, हमने स्पष्ट रूप से कहा कि किसी को भी बख्शने का सवाल नहीं है, वो अपने इस रास्ते को छोड़ दें या कहीं बाहर से। हाँ, BBB कांग्रेस की सरकार के अंदर भर्ती भी भ्रष्टाचार से होती थी और बदलियां भी भ्रष्टाचार से होती थी, और भूमि का जो आपके सामने है किसी के ऊपर वो लगा दिया, सेक्शन 4 लगा दिया, सेक्शन 7 लगा दिया, किसानों को इस प्रकार से डरा देते, डरा नहीं देते थे, उनकी जमीन खोस लेते थे ये लोग, और जमीन खोस करके बाड़रा के नाम कर देते थे। हमने आके किसानों की जमीन वापस करी, ये भूमि के अंदर जो इन्होंने घोटाला किया, ये मुख्यमंत्री की सरकार है जी। बाड़रा वाले के अंदर तो अंदर जाएंगे, बाड़रा भी जाएगा अंदर। देखिए, नहीं देखिए, माननीय कोर्ट का डिसीजन है और केस चल रहा है, उसके अंदर हम कुछ नहीं कर सकते। माननीय कोर्ट जो फैसला देता है तो कानून अपना काम कर रहा है। बिल्कुल इमरजेंसी, ये कोई मंशा नहीं है, आने वाले जो पीढ़ियां हैं उनको ध्यान रहना चाहिए, क्योंकि जो आने वाली पीढ़ियां हैं उनको तो पता नहीं लगता क्या काम किया है। उसके बारे में हम महापुरुषों का जन्मदिन क्यों मनाते हैं? हम महापुरुषों का जन्मदिन इसलिए मनाना शुरू किया है कि आने वाली पीढ़ियों को उस इतिहास के बारे में ज्ञान हो, नहीं तो वो सोचते भी आ रहा है सारा का सारा, उनको ये तो नहीं पता भी आने वाली पीढ़ियों को आजादी कैसे मिली है, किन लोगों ने कुर्बानियां दी, किन लोगों ने अपने आप को इस भूमि के ऊपर खपाया है। वो महापुरुष, वो क्रांतिकारी वीर, उनके दिवसों को मनाना ये सरकार ने, हमारी सरकार ने शुरू किया, इसीलिए किया कि उस इतिहास के बारे में आने वाली पीढ़ियों को ध्यान रहे। आज भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष के रूप में
हमारे माननीय मुख्यमंत्री और पूर्व में प्रदेश अध्यक्ष नायब सिंह सैनी जी ने हमारा तमाम प्रदेश के शीर्ष नेतृत्व आज सभी ने इस पदभार ग्रहण समारोह में सभी उपस्थित हुए हैं और आज ये जिम्मेवारी जो मुझे दी है भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता 19,812 बूथ का प्रत्येक कार्यकर्ता हरियाणा सरकार की 10 साल की उपलब्धियों को लेके हम जन जन तक जाएंगे। जो गरीब कल्याण की योजनाएं हरियाणा सरकार की है उनको लोगों के बीच में जाके बताने की जो काम भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता करेगा उसके लिए हमने अभी विस्तृत एक प्रदेश कार्यकारिणी की बैठक पंचकुला में की। उसके बाद हमने 22 के 22 जिलों की विस्तृत जिला कार्यकारिणी की बैठकें की। अभी 14, 15, 16 और 17 चार दिन हमारी 313 मंडलों में विस्तृत मंडल कार्यकारिणी की बैठक होगी और उसके बाद 18 तारीख से एक सप्ताह का प्रवास 25 तारीख तक हमारे जो प्रत्येक मंडल के अंदर 313 मंडल हैं उसमें अलग अलग कार्यकर्ताओं को ड्यूटी लगा के वो प्रत्येक मंडल पर जो शक्ति केंद्र की बैठकें हैं वो करेंगे। उसके बाद चार दिन का 27, 28, 29 और 31 चार दिन का फिर हमारा प्रत्येक बूथ का बैठकों का प्रोग्राम रहेगा और भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता सरकार की नीतियों को लेके प्रत्येक व्यक्ति तक जाने का काम करेगा। सरकार और संसद मिलकर तीसरी बार हरियाणा प्रदेश में नायब सिंह सैनी जी के नेतृत्व में सरकार बनाने का काम। मोहनलाल जी, लोकसभा चुनाव में आप बहुत सी विधानसभा सीटों को लूज करिए, उन सीटों पर किस तरीके से काम करने की प्लानिंग है? ये जो मैंने आपको अभी बताया कि हमारा मंडल प्रवास कार्यक्रम जो भी होगा उस मंडल प्रवास में हम अपने शक्ति केंद्र को मजबूत करते हुए अपने बूथ को मजबूत करते हुए और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के माध्यम से आम वोटर तक संपर्क साधते हुए सरकार की नीतियों का लाभ सीधा गरीब और किसान को, मजदूर को, महिला को, प्रत्येक वर्ग को उसका लाभ मिले, सरकारी योजनाओं का लाभ अपने कार्यकर्ता के माध्यम से हम पहुंचाने का काम करें। भारतीय जनता पार्टी ने इस लोकसभा चुनाव में भी कांग्रेस से ज्यादा वोट लिया है, 3% वोट हमारी ज्यादा आई और जहां उनके 12 विधायक थे उनको हरा के हमने जीतने का काम किया है। आज भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस से बहुत आगे है और जब 2014 में कांग्रेस से सत्ता को छीन के भारतीय जनता पार्टी के यही कार्यकर्ता, इन्हीं कार्यकर्ताओं को दम पर हमने स्पष्ट बहुमत की सरकार बनाई, आज 2014 के बाद भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता और मजबूत हुआ है और आने वाले इस 2024 के विधानसभा चुनाव में स्पष्ट बहुमत की सरकार भारतीय जनता पार्टी की नायब सिंह सैनी जी के लेकर ये जो गठबंधन हुआ है और पहले भी बहुत सारे हरियाणा प्रदेश में गठबंधन हुए हैं और हरियाणा प्रदेश की जनता का भी इन गठबंधनों का अनुभव रहा है। मुझे लगता है कि समय से पहले कोई बात कहनी ठीक नहीं है और ये नया गठबंधन हुआ है, उन्होंने सीटों का भी बंटवारा किया है, मैं अपनी पार्टी की तरफ से उनको बहुत बहुत बधाई देता हूँ। जेजेपी कहती है कि हमारे साथ धोखा हुआ है। जेजेपी क्या कहती है वो तो जनता उसका जवाब देगी कि जेजेपी के नेताओं ने जिस प्रकार से सरकार में रहते हुए 4.5 साल तक जिस प्रकार का काम किया है जनता जानती है। अरे फिर एक शब्द ले ये कार्ड का, कहा हरियाणा मांगे हिसाब, भाई हरियाणा तो हिसाब मांग रहा, हरियाणा तो पूछ रहा कि आप 10 वर्ष तक मुख्यमंत्री रहे, आपने 24 घंटे बिजली देने का वायदा अपने मैनिफेस्टो में किया था, आज ये हरियाणा पूछ रहा है भूपेंद्र सिंह हुड्डा क्या तुमने 24 घंटे बिजली देने का काम किया है, ये हरियाणा पूछ रहा है।
अरे 24 घंटे बिजली देने का काम अगर किसी ने किया, ये भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन की सरकार ने किया है भाई। अरे ये बात बोल रहा है, ये बात और बोल रहा है, ये हरियाणा ही पूछ रहा है, इनके समय में कितनी फोर लाइनिंग सड़कें बनी थी। हरियाणा के लोग ये भूपेंद्र सिंह हुड्डा से पूछ रहे हैं, आपको बताना होगा आज जो यात्रा की आपने बात की है, आज हरियाणा प्रदेश का एक भी जिला ऐसा नहीं बचा जिसके अंदर फोर लाइनिंग रोड ना हो। हर जिले को फोर लाइनिंग से जोड़ने का काम इन 10 वर्षों के अंदर ये डबल इंजन की सरकार ने किया है। ये भी बताए कि इसमें कितनी सड़कें बनी है, कहां बनी है, ये हरियाणा पूछ रहा। और भाइयों हरियाणा ये भी पूछ रहा, 2014 से पहले हमारे इसी रोहतक में हमारी माताएं बहने सर पर मटका रख करके 2-2 किलोमीटर से पानी लेकर के आती थी। आज हर घर के अंदर नल और स्वच्छ जल पहुंचाने का काम ये हमारी सरकार ने किया है भाइयों। ये बताने का काम करे कि आपने कितना काम किया है हमारी सरकार ने। भाइयों इनके समय के अंदर तो एक गैस का सिलेंडर भी लेना होता था, 3 दिन तक लाइन में खड़ा रहना पड़ता था। आज हमारी सरकार ने 12 लाख बहनों के घर के अंदर गैस का कनेक्शन और सिलेंडर पहुंचाने का काम किया है। भाइयों आज किसी को लाइन में नहीं खड़ा रहना पड़ता, ये हमारी सरकार ने किया है। भाइयों मैं ये भी पूछना चाहता हूं, इनके समय में एक बात बड़ी प्रचलित थी, वो प्रचलित थी जिसका जिक्र कृष्ण मूर्ति जी ने किया है, बदली भर्ती भ्रष्टाचार BBB इनकी सरकार में चलता था। बदलियों में बड़ा घोलमाल होता था, भ्रष्टाचार होता था, भर्तियों में होता था। भाइयों अभी आपको मंच से भी बताया गया है, क्योंकि ये तो अंदर रहे हैं, ये तो जो पैची आवाज थी उसने भी देखे करा था कितना वजन है ना। ये बात के सामने आ बताया नहीं, कहा सोचता वर को पता है, कहा बताया ना, कहा सोचता वर को पता है। ये हालात थे, ये हालात इनकी सरकार में थे, एक भी नौकरी बिना पैसे के नहीं लगती थी।